और इसका साइलेंसर जो है ना भाई एक नंबर है, गजब का। ये देख लो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है अपनी गाड़ी। 1500 रुपए का ये टायर मिला है भाई TVS वाला। ये देख लो भाई साहब, इससे क्या होगा हमारी गाड़ी के जो पूरे टांके थे ना जो टूट चुके हैं। Hey guys, welcome back to Thakur Saurabh Vlog। भाई नया दिन शुरू हो चुका है और आज मैं ना सबसे पहले क्या करने वाला हूँ, अभी सो के तो उठ चुका हूँ, उसके बाद सबसे पहला काम है अपने पास जिम जाने का, क्योंकि भाई हमने प्रण लिया है कि डोले थे शोले बनाएंगे। और देखो थोड़े थोड़े तो मतलब दिख भी रहा है कि हाँ काम चालू हो चुका है, बॉडी पे कंस्ट्रक्शन चालू है पूरी की पूरी। बाकी आज के दिन में होने वाला है भाई क्या, अपने पास जो गाड़ी है ना, हाँ भाई गाड़ी की रिपेयरिंग करवाएंगे जाके, साथ में अपनी स्कूटी के ऊपर बहुत सारे काम करवाने हैं क्योंकि वो जरूरी है, क्योंकि बहुत काम आती है ना, पता है आपको लोकल में दिल्ली के अंदर टू व्हीलर ही काम आता है। बाकी यार एक छोटी सी बात भी कहनी आप लोगों से, 1,95,000 की फैमिली है अपनी यूट्यूब के ऊपर, लेकिन मैं उनको क्या मान के चल रहा हूँ इस टाइम पे कि अपने पास जीरो फैमिली है। बिकॉज क्या है कि डेली व्लॉग यानी कि लाइफस्टाइल व्लॉग जो मैंने भाई चालू किया है ना अपने चैनल पे, तो आप लोगों का रिस्पॉन्स अभी कम है। मैं मानता हूँ कि चीजें होने में टाइम लगता है, नया चीज लेके आया हूँ, नई चीज अपने चैनल पे चल रही है, मतलब नई चीज तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ बहुत सारी चीजें जो है मैं अलग तरीके से करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो टाइम लगेगा, धीरे धीरे लोग जुड़ेंगे, तो यही उम्मीद करूंगा कि आप लोग सपोर्ट करते रहोगे हमेशा की तरह। क्योंकि कम्युनिटी पोस्ट में बहुत सारे लोगों ने कहा था कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं आगे बढ़ो, तो भाई आगे बढ़ चुके हैं, साथ दो, शेयर करो वीडियो को अगर पसंद आती है तो। बाकी आज की वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है और दिन में भाई क्या क्या कुछ झेलना पड़ेगा वो भी देखने को आप लोगों को मिलेगा। बाकी सबसे पहले ये देखो, ये है अपने पास क्या, तुम्हारी देन भाई, ये देखो ठाकुर सौरभ ब्लॉग फॉर पासिंग 1 लाख सब्सक्राइबर्स, ये काफी पुराना हो चुका है। तो यार 1 लाख सब्सक्राइबर हमने काफी पहले पूरे कर लिए थे, फटाफट से 2 लाख सब्सक्राइबर करा दो, सिर्फ 5,000 ही तो बचे, फटाफट से करवा दो, बाकी फटाफट से चलते जिम। भाई पहुंच के जिम के अंदर, ये अपने संदीप भाई साहब, भाई साहब जी एक बात बताओ मेरे को, ये इतने मजदूर कहाँ से लाए हो जो पैसा दे के मजदूरी कर रहे हैं? वर्कआउट जैसे तैसे हो गया और भाई ने ना आज जान ले लिया हमारी, भाई लैक्स बार मारने के बाद डेडलिफ्ट करवा दिया भाई साहब ने, हंस रहे देखो कितनी खतरनाक वाली स्माइल है। हमारी जिम थोड़ी छोटी पड़ गई, ये भाई अपने स्ट्रेचिंग चक्कर में धक्का लगा रहा है, भाई गली छोटी हो जाएगी यार। जिम जाने के बाद सबसे पहला काम क्या है, ये जो प्रोटीन का डब्बा मैं लेके आया था ना भाई, खोलो फटाफट से, इसमें से निकालते हैं स्कूप प्रोटीन भर के। ओहो ये बहुत जरूरी है यार, डाइट वाइट हम ले नहीं पा रहे हैं तो एटलीस्ट से तो प्रोटीन की नीड पूरी हो जाएगी, मजा ही आ गया। तो एज पर माई रूटीन उसके बाद प्रोटीन के बाद मैं खाता हूँ ये ड्राई फ्रूट्स, ये देख रहे हो भिगाए थे रात को, इसमें देखो क्या है, अंजीर है, किशमिश है और इसके अंदर ना अखरोट है और बादाम है, और ये बनाए हुए हमने गोंद के लड्डू फॉर जॉइंट पेन, मतलब जॉइंट में जो भी दिक्कत मेरे आ रही है ना वो दूर कर देगी। वैसे देखने में काफ़ी सही लग रहे हैं ना ये गोंद के लड्डू, और भाई उतने ही ज़्यादा यमी है, पूरे देसी घी में बने हुए, एक नंबर। लोगों को पार्लर जाना पड़ता है, हमारे घर के अंदर ही काम चल रहा है। देखो भाई ये क्या औजार निकाल लिया, काट दोगी क्या, क्या हो रहा है, हाग हो जाते हैं ना तो इनको कट करना पड़ता है, देख डर तो लग रहा है। ओए चुपा क्यों रही हो, सोचा था आज की गाड़ी रिपेयर कराएंगे, स्कूटर रिपेयर कराएंगे, और यहाँ पर देख लो भैया इंटरनेट भी रिपेयर कराना पड़ेगा। चूहे ने क्या काम किया है, पूरा का पूरा डिवाइस का तार ही खा गया है। नहा धो के खा पी के पार्किंग पहुंच गया हूँ और अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, क्योंकि भाई उसको ना रिपेयर करवाना है बम्पर को, काफी टाइम हो चुका है और ये ना मैं रोज डिले करता जा रहा हूँ, बट आज करने वाला नहीं हूँ, फटाफट चलते हैं। फाइनली भाई पहुंच ही गया और फटाफट से काम करवाते हैं बम्पर का, देखते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या करेगा, कहीं वो ठोक पीट ना कर दे कुछ, देखते हैं। वैसे कहा तो ताकि प्रोफेशनली तरीके से करेंगे कि इंश्योरेंस में कोई भी दिक्कत ना आए। ये देख लो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है अपनी गाड़ी बम्पर हटने के बाद, अगर बिना बम्पर के चलाएं तो देखो भाई अलग ही लेवल की गाड़ी लगेगी, ट्रांसफॉर्मर वाली फीलिंग आ रही है। ये मशीन अभी फटाफट से उठ के बंदा बन जाएगा। ये देख लो भाई साहब, ये है इसका क्या है, ये रेडिएटर है शायद कूलिंग करने के लिए, मामला सही है। बाकी कौन सी हमारी ना यहाँ पर जो ये पत्ती होती है ना भैया, ये वाली पत्ती बैंड हो गई है क्या? ये देखो भाई ये थोड़ा सा बैंड बूंड लग रहा है मामला, ये वाली में और वो वाली में फर्क है, जिसकी वजह से बम्पर अंदर घुस गया था बिल्कुल। देखो यार लोहे की वेल्डिंग होते हैं बहुत ज्यादा देखा था मैंने, पहली बार देख रहा हूँ प्लास्टिक से भी वेल्डिंग हो रही है, और वहाँ पे रखो है ब्लोअर, उसके अंदर से गर्म हवा आ रही है और भैया यहाँ पे प्लास्टिक लेके वेल्ड कर रहे हैं। इससे क्या होगा हमारी गाड़ी के जो पूरे टांके थे ना जो टूट चुके हैं प्रॉपर रिपेयर हो जाएंगे, और मतलब एक नंबर मक्खन फिटिंग हो जाएगी फिर से। वेल्डिंग रॉड में क्या होती है, वेल्डिंग रॉड देखिए आपने किस तरीके की होती है, आयरन की बड़ी सी, और इसमें देखो प्लास्टिक, ये भी मामला सही है। ये देखो ये है नॉर्मल साइड जहाँ पे कोई भी डैमेज नहीं हुआ था,
ये बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है ना, अब दिखाता हूँ अदर साइड। देखो ये है अपने बम्पर का अदर साइड जहाँ पे डैमेज हुआ था। फर्क आप लोगों को दिख रहा होगा, बिल्कुल हल्का फर्क है। अब देखो लग रहा है ना कि जैसे बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। तो फिटिंग के बाद कुछ इस तरीके से बम्पर लग रहा है। प्रीवियस क्लिप में आप लोगों को दिखा दूंगा अभी, ताकि पता लग पाए कि इसका क्या हाल हुआ था। ये बम्पर जो है भाई एकदम छोड़ चुका है अपनी जगह, ये देखो ध्यान से, है ना, पूरे ये जगह छोड़ दी है। एक्चुअल में क्या हुआ है, इसकी जो ये होती है ना यहाँ पे लॉक होता है एक, और ये लॉक टूट गया। साइड से भी देखो बिल्कुल प्रॉपर फिनिशिंग आ चुकी है। दिखाता हूँ उस साइड से कि क्या है। यहाँ है अपोजिट साइड जहाँ पर कुछ भी डैमेज या कुछ भी नहीं हुआ था, और इसकी फिटिंग देखो सेम एज इट इज, ऐसी ही फिटिंग वहाँ की भी आ गई है। तो भाई ये हो गया परफेक्ट काम। और अब गाड़ी एटलीस्ट देखने में फ्रंट से भी ना अच्छी लगेगी कि हाँ भाई सारा काम बढ़िया बढ़िया हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, स्मूथ लग रही है। काम तो अच्छे से अपना हो गया, और खुशी भी इस बात की कि भाई अब गाड़ी अच्छी लग रही है देखने में। बाकी अब निकल रहा हूँ मैं सीएनजी फिलिंग स्टेशन की तरफ, ताकि फ्यूल ले सकूं। कल अर्ली मॉर्निंग निकलना है एक बहुत ही जबरदस्त टूर पे, और बहुत ही अच्छी जगह। तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोगों को पता लगता रहे, और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना फॉर क्विक अपडेट्स। तो फाइनली आगे फिर से पार्किंग में, और भाई अच्छी लग रही है गाड़ी देखने में ना, आगे से बिल्कुल परफेक्ट, कोई दिक्कत ही नहीं, बिल्कुल नए जैसा हो गया। फील आ रही है भाई अच्छी अच्छी वाली। बाकी यहाँ खड़ी कर दी है पेड़ के नीचे ठंडी छाँव में, और अब बारी है भाई इन महाशय की, क्योंकि इनकी हालत ना देखो यार कुछ ज़्यादा ही बुरी हो चुकी है। देख रहे हो पूरी, देखो डस्ट हर जगह, डस्ट ही डस्ट है। प्लस ये वाला टायर जो है ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, और इसमें बहुत सारा कचरा है। और ये जो मीटर होता है ना मेन, ये भी काम नहीं कर रहा ठीक से कभी कभी। बाकी पूरी स्कूटी बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है, इसको करवाते हैं चल के फटाफट चेंज, इसमें चेंजेस जो भी होने हैं वो चेंजेस करवाते हैं, रिपेयर करवाते हैं, टायर बदलवाते हैं, और उसके बाद दिखाऊंगा इसका लुक। अभी ये लुक देख लो कि किस तरीके से ये लग रहा है, गंदा शंदा सा। हमारी पार्किंग के अंदर देख लो भाई कौन कौन सी बुलेट्स वगैरह खड़ी होती हैं। ये तो है शायद नई वाली, लेकिन ये वाली चेक करो भाई, ये कुछ एंटीक पीस ही है। ये वाली जो बुलेट है ना कमाल की लग रही है, देखो इसका सारा कुछ ना पेंट वगैरह भी चेंज है, और एलॉय वगैरह भी इसमें डलवाए हुए हैं। और इसका साइलेंसर जो है ना भाई एक नंबर है, गजब का। इसकी साउंड भाई साहब धुआंधार साउंड, अभी सुनाते हैं तुम्हें। और ये जो बुलेट है ना भाई चमचमाती हुई जो दिख रही है, ये है नहीं नई बुलेट, ये है पुरानी बुलेट, क्लासिक वाली जो आती थी। यहाँ देख लो मीटर वगैरह भी कौन कौन सा लगा हुआ है यहाँ पर, ये देख लो, ये है बिल्कुल बीचों बीच होता है तो स्टार्ट हो जाती है, वो किक स्टार्ट बुलेट है बिल्कुल प्योर वाली। गियर्स वगैरह भी देखो इस साइड में है, अपोजिट साइड में रेट्रो स्टाइल। चला भाई सुन रहे हो वॉल्यूम। नया टायर आ चुका है, 1500 रुपये का ये टायर मिला है भाई, TVS वाला, और ये रिप्लेस होगा आगे। अच्छा मुझे आज पता लगा कि भाई आगे का टायर इसमें अलग साइज़ का आता है, और पिछला जो टायर आता है ना एंटॉक के अंदर वो अलग साइज़ में आता है। तो ये पापा ने ना डलवा दिया था पिछली बार, तो ये डलवा दिया था MRF कंपनी का, और इसलिए ज़्यादा चौड़ा नहीं है। अदरवाइज एंटॉक का जो TVS का टायर आता है ना वो बहुत चौड़ा होता है, देखने में काफ़ी सही लगता है। और मैं अभी ये सोच रहा था कि ये वाला टायर ना आगे लगवा दूँ और आगे वाला पीछे लगवा दूँ नया, लेकिन अब तो साइज ही डिफरेंट है तो पॉसिबल ही नहीं है। लग गया भाई ब्रांड न्यू टायर इन फ्यू मिनट्स, और अब ठीक ठाक लग रही है स्कूटी। बाकी चलते हैं मैकेनिक के पास। फाइनली सारा काम करा के घर के अंदर पहुंच चुका हूं भाई। आज ना मतलब गाड़ी का भी और स्कूटी का भी सारा ही काम मैंने फाइनल करवा दिया, और अब लग नहीं रहा कि किसी तरीके कोई दिक्कत होने वाली है, सब कुछ एकदम चकाचक है। बस एक चीज़ रह गई है, गाड़ी वॉश नहीं करवाई है, वो भी वॉश इसलिए नहीं करवाई है बिकॉज हमारा कुछ प्लान है, और उस प्लान के बाद वहाँ से मतलब ट्रैवल पे जब आप जाते हैं, ट्रैवल पे जाने के बाद जब वापस आते हैं तो गाड़ी धुलवानी ही पड़ती है, तो हम पहले नहीं धुलवा रहे, बाद में धुलवाएंगे उसे। बाकी आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लो, क्योंकि वीडियोस आने वाली है अच्छी अच्छी। और अभी टाइम चेक करो, शाम के हो रहे हैं 6:10, और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करने वाला हूँ, और आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।